प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की मन की बात। युवाओं से एनसीसी से जुड़ने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने कहा 11 और 12 जनवरी को नई दिल्ली में होगा युवा विचारों का महाकुंभ। बिहार एक और बड़े खेल आयोजन की करेगा मेजबानी। वुमेन एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी की सफलता के बाद अगले साल अप्रैल में यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का करेगा आयोजन। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का आज मनाया गया शहीदी दिवस। धर्म, मानवीय मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए दिए गए उनके बलिदान को हर वर्ष शहीदी दिवस के रूप में किया जाता है याद। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एक सर्वेक्षण दल के पहुंचने पर पथराव की हुई घटना। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का किया इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने गांव रक्षा गार्ड को दी आतंकवाद विरोधी और आत्म रक्षा की ट्रेनिंग। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 के लिए नई दिल्ली पहुंचे इफ्को स्वयंसेवक। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के चौथे दिन अभिनेत्री मनीषा कोइराला और निर्देशक निर्माता विक्रमादित्य मोटवाने ने फिल्म और स्ट्रीमिंग में व्यावसायिक सफलता और विभिन्न प्लेटफॉर्मों के लिए कहानियों पर की चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा 26 नवंबर को मनाया जाएगा संविधान दिवस। सदन में दोनों सदनों के सदस्य को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे संबोधित। आज से अगले 2 दिनों तक सऊदी अरब के जेदा में आईपीएल 2025 के लिए खिलाड़ियों की होगी मेगा नीलामी। नीलामी में कुल 577 खिलाड़ी होंगे शामिल।